और हमारे शहर संस्कारधानी को अक्सर बेशतर पत्थरों का शहर कहा जाता है, जबल के मायने ही होते पत्थर। मुझे मिसरे याद आते हैं शायर के इस्तकबाल के लिए कि सबके जुदा ख्याल जुदा सबकी नजर है, हर समत तो फिर भी एक मोहब्बत की लहर है। सबके जुदा ख्याल जुदा सबकी नजर है, हर समत तो फिर भी एक मोहब्बत की लहर है, और आईनों जैसे लोग भी महफूज हैं यहाँ, मैं कैसे मान लूं कि ये पत्थर का शहर है। आईनों जैसे लोग भी महफूज हैं यहाँ, मैं कैसे मान लूं कि ये पत्थर का शहर है। उसी आईना शफा शख्सियत को आवाज दी जाए जिसे हम और आप इंजीनियर विनोद नयन के नाम से जानते हुए आए। आप तालियों से इस्तकबाल करें आपके अपने महबूब शायर इंजीनियर विनोद नयन साहब। हजरत मोहतरम, आज का ये मुशायरा बड़ी तकलीफों के बाद यहाँ तक पहुँचा है बेशक, और इसके गवाह सिर्फ तीन लोग हैं, एक मनन भाई, एक अनिल कोरी जी और एक मैं बेशक। लेकिन उम्मीद रही थी कि उस मकाम से यहाँ तक और अच्छी तरह से मुशायरा होगा, इस बात के लिए तालियां बजनी चाहिए। और मन्नान भाई ने इस मुशायरे के लिए आज अकेले, मैं तो एक बार आया था दिन में बस, लेकिन अनिल कोरी साहब ने और मन्नान भाई ने इतने नौ तपा में अंगारे बरस रहे तो बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पाथे और मंथन से भाई राजेश और हंतोष जी एक बार मन्नान भाई के खार पहना के अपनी संस्थाओं की तरफ स्वागत कर दें। भाई राजेश पाठक प्रवीण जी और संतोष नेमा जी, आज का जो माहौल था दिन में जो आग बरस रही थी और उस आग बरसती आग में जो दौड़ रहे थे मन्नान भाई, मैं तो आया था कार से लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं निकल सकूं बाहर। बहुत अच्छी महफिल चल रही है, और जहां तक निजामत की बात है तो आन बान शैन मन्नान हमारे शहर की निजामत पूरे नगर प्रदेश देश में कर रहे हैं। उस्ताद मोहतरम इरफान झांसवी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है और आज सदारत भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों को पढ़ना है अभी, बहुत लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। सूरज भैया बैठे हैं, चार मिसरे सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, उसके बाद गजल के कार्य मतलब। जिंदगानी की बात क्या होगी कि बात क्या होगी, दिन अंधेरा तो रात क्या होगी। वाह, जिंदगानी की बात क्या होगी, दिन अंधेरा तो रात क्या होगी, और मिलाना मेरा तेरा उसका लहू, फिर बताना कि जात क्या होगी। जिंदगानी की बात क्या होगी, दिन अंधेरा तो रात क्या होगी, और मिलाना मेरा तेरा उसका लहू, फिर बताना कि जात क्या होगी, फिर बताना कि जात क्या होगी। और यहीं से ये जान मिस्र और देखें कि चाहता हूं तुम्हें जिंदगी की तरह, चाहता हूं तुम्हें जिंदगी की तरह, जिंदगी से मिलो जिंदगी की तरह, चाहता हूं तो मैं जिंदगी की तरह, जिंदगी से मिलो जिंदगी की तरह, और सबके सब शहर में भगवान है, कोई मिलता नहीं आदमी की तरह, सबके सब शहर में भगवान है, कोई मिलता नहीं आदमी की तरह, सबके सब आलोक भाई जी जी। चाहता हूं तो मैं जिंदगी की तरह, जिंदगी से मिलो जिंदगी की तरह, और सबके सब शहर में भगवान है, कोई मिलता नहीं आदमी की तरह। और यहीं से चार मिसरे और देखें कि मैं गुलशन में तन्हा जो आया ना होता, आलोक भाई, मैं गुलशन में तन्हा जो आया ना होता, मुझे तितलियों ने सताया ना होता, मैं गुलशन में तन्हा जो आया ना होता, मुझे तितलियों ने, मैं गुलशन में तन्हा जो आया ना होता, मुझे तितलियों ने सताया ना होता। और शेर देखें कि मेरे दोस्त तू जो बुझाता ना दीपक, जुदा कम से कम मेरा साया ना होता, मेरे दोस्त तू जो बुझाता, पंकज भाई, कम से कम मेरा साया ना होता है। वाह वाह, मैं गुलशन में तन्हा जो आया ना होता, मुझे तितलियों ने सताया ना होता, और मेरे दोस्त तू जो बुझाता ना दीपक, जुदा कम से कम मेरा साया ना होता, ना आता नयन शायरी का सलीका,
कोई जिंदगी में जो आया न होता। शुक्रिया। नाता नयन शायरी का सलीका, कोई जिंदगी में जो आया ना होता, मैं गुलशन में तन्हा जो आया। और यहीं से दो तीन और अभी सोहन भाई कहाँ बैठे, चले गए क्या? हिंदी की बहुत बेहतरीन गजलें ने सुनाई, चार मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा। के भावनाओं में बह रहा हूं मैं, इसलिए दर्द सह रहा हूं मैं। भावनाओं में बह रहा हूं मैं, इसलिए दर्द सह रहा हूं मैं। और प्यार की मेरे जीत हो गई आखिर, दिल में दुश्मन की रह रहा हूं। भावनाओं में बह रहा हूं मैं, इसलिए दर्द सह रहा हूं मैं। और प्यार की मेरे जीत हो गई आखिर, दिल में दुश्मन के रह रहा हूं मैं। और ये चार मिसरे देखें कि इशा दे रहे यहां से भी दूसरे कबीले के चार मिसरे और अता की। रोशनी घर के चरागों से कहां मिलती है, रोशनी घर के चरागों से कहां मिलती है, अपने अश्कों से दिए रोज जला लेता हूं। रोशनी घर के चरागों से कहां मिलती है, अपने अश्कों से दिए रोज जला लेता हूं। और मुफलिसी जब से मेरे घर में हुई मिजबा, मुफलिसी जब से मेरे घर में हुई मेहमा, थपकियां देके मैं बच्चों को सुला लेता हूँ। वाह वाह वाह। थपकियां देके मैं बच्चों को सुला लेता हूँ। और शुक्रिया शुक्रिया। फिल्मों में जाके लेखनी बदनाम हो गई। हाँ सूरज भैया, फिल्मों में जाके लेखनी बदनाम हो गई, हर सुबह जिंदगी की शाम हो गई। और कल तक बसंती चोली पर लिखे गए थे गीत, अब सभ्यता की चोलियां नीलाम हो गई। अब सभ्यता की चोलियां। और एक मतलब दो शेर यहां से और कि आंखों में अपनी प्यार के दीपक जलाइए, आंखों में अपनी प्यार के दीपक जलाइए, फिर उसके बाद जश्न चरागा मनाइए। आंखों में अपनी प्यार के दीपक जलाइए, फिर उसके बाद जश्न चरागा मनाइए। और जिसने कोई गुनाह किया हो ना उम्र भर, जिसने कोई गुनाह किया हो ना उम्र भर, एक बार ऐसे शख्स से हमको मिलाइए। जिसने कोई गुनाह किया हो, आंखों में अपनी प्यार के दीपक जलाइए, फिर इसके बाद जिसने चरागा मनाइए। और जिसने कोई गुनाह किया हो ना उम्र भर, एक बार ऐसे शख्स से हमको मिलाइए। एक तरी गजल का मतलब और एक शेर अदा की। कहा है कि अरसा हुआ है मैंने उसे खत लिखा नहीं, अरसा हुआ है मैंने उसे खत लिखा नहीं, पर उसको भूल जाऊं ये भी हुआ नहीं। वाह वाह वाह। अरसा हुआ है मैंने उसे खत लिखा नहीं, पर उसको भूल जाऊं ये भी हुआ नहीं। और शेर कहा है कि मैंने गुजारी जिंदगी जिसकी तलाश में, मैंने गुजारी जिंदगी जिसकी तलाश में, उसका पता मिला भी तो अपना पता नहीं। है, 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 मैंने गुजारी जिंदगी, मैंने गुजारी जिंदगी जिसकी तलाश में, उसका पता मिला भी तो अपना पता नहीं। और इतरी शेर के किसने तमाम शहर को पत्थर बना दिया। आदर्श भाई सुनो, किसने तमाम शहर को पत्थर बना दिया, आवाज दे रहा हूं कोई बोलता नहीं। किसने तमाम शहर को पत्थर बना दिया, आवाज दे रहा हूं कोई बोलता नहीं। और गजल का मक्ता, जिसके लिए नयन ने मिटा दी है जिंदगी, जिसके लिए नयन ने मिटा दी है जिंदगी, उसके नयन से एक भी आंसू गिरा नहीं। जिसके लिए नयन ने मिटा दी है जिंदगी, जिसके लिए नयन ने मिटा दी है जिंदगी, उसके नयन से एक भी
जिसके लिए नयन ने मिटा दी है जिंदगी, उसके नयन से एक भी आंसू गिरा नहीं। और एक दो मिसरे और उसके बाद दो तीन और जो हमारे शोरा है कि मुफलिस का, श्रेय भाई सुनो, मुफलिस का चादर के बाहर सर लगता है, आलोक, मुफलिस का चादर के बाहर सर लगता है, यारब तेरे दर्शन में भी कर लगता है। मुफलिस का चादर के बाहर सर लगता है, यारब तेरे दर्शन में भी कर लगता है, और बात अजूबी तुम्हें लगेगी, हम कहते हैं अब अपनों के अपने पन से डर लगता है। बात अजूबी तुम्हें लगेगी, हम कहते हैं अब अपनों के अपने पन से डर लगता है, मुफलिस का चादर के बाहर सर लग। और आखिरी गजल के एक दूसरे बस, अभी बहुत अच्छी बात कही है हमारे भाई सोहन भाई ने, हिंदी की कुछ बात कही है, एक दो शेर अता की। ठोकरें खा के संभलना सीखो, ठोकरें खा के संभलना सीखो, ठोकरें खा के संभलना सीखो, रुख हवाओं का बदलना सीखो। वाह सुहे भाई आ जाओ, ये सब कह रहे हैं अकल के मारे। ठोकर खाकर संभलना सीखो, रुख हवाओं का बदलना सीखो, और जिंदगी में रखो ठहराओ जरा, जिंदगी में रखो ठहराओ जरा, पारे जैसा पिघलना सीखो। वाह वाह, जिंदगी में रखो ठहराओ जरा, पारे जैसा पिघलना सीखो। और बस एक गजल के दो तीन शेर के, हौसला दर्द का बढ़ा देना, हौसला दर्द का बढ़ा देना, तुम मेरे गम में मुस्कुरा देना। हौसला दर्द का बढ़ा देना, तुम मेरे गम में मुस्कुरा देना। गलतियां तो गिनाओ तुम मेरी, गलतियां तो गिनाओ तुम मेरी, शौक से फिर सजा देना। वाह वाह, गलतियां तो गिनाओ तुम मेरी, शौक से फिर सजा देना। तुमसे देखा ना जाए प्यार अगर, दीदी तुमसे देखा ना जाए प्यार अगर, फूल से तितलियां उड़ा देना। तुमसे देखा ना जाए प्यार अगर, तुमसे देखा ना जाए प्यार अगर, फूल से तितलियां उड़ा देना। जो भी झांके तेरे गरेबा में, जो भी झांके तेरे गरेबा, जो भी झांके तेरे गरेबा में, आईना तू उसे दिखा देना। वाह 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 वाह, जो भी झांके तेरे गरेबा में, आईना तू उसे दिखा देना। और इसी के साथ आप सबने मुझे सुना भाई, बेहद शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।